तो यार बात कुछ ऐसी है कि आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस गेमिंग माउस की जो कि मैंने मंगाया था दराज से। तो आओ यार करते हैं इस माउस की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि कैसा है गेमिंग माउस और क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। तो यार मेरा नाम है इम्तियाज, आप देख रहे हो टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलूंगा यार, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो मुझे यूट्यूब पे और ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट करते रहना। और इससे खुश हो के मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि इसका गिव अवे कर दूं। तो आप यार कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इसका गिव अवे कैसा रहेगा, क्योंकि यह है गेमिंग माउस और हम लोगों को गेमिंग करना तो वैसे ही बड़ी पसंद होती है। वैसे तो मैं खुद करता नहीं हूँ, मगर मैंने सोचा ये लिया है तो आप में से किसी को गिव अवे कर दूं। तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और अब टाइम नहीं वेस्ट करते हो यार, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यार ये है वो बॉक्स जिसके अंदर मौजूद है हमारा गेमिंग माउस। तो आओ यार कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो सबसे पहले तो हम इसका लिड खोल लेते हैं दराज के बॉक्स साथ। तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है हमारा गेमिंग माउस। तो कर लेते हैं इसको इसके अंदर से बाहर और जो दराज का बॉक्स है उसे मैं कर देता हूँ साइड पे। तो ये है जी हमारा गेमिंग माउस का बॉक्स जो कि आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है वाइट और इसके ऊपर बना हुआ है ब्लैक कलर का हमारा माउस। तो सबसे पहले अगर देख ली जाए इसकी बॉक्स की साइड के ऊपर तो यहाँ हमें चाइनीज देखने को मिल जाती है यार, और सिर्फ नीचे ये पढ़ा जा रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो करता है विंडो विस्टा को, एक्सपी को, विंडो 7 और विंडो 2000 को। तो और अगर दूसरी साइड पर देख लिया जाए तो हमें यहाँ पे इसके सिर्फ जो कंट्रोल्स वगैरह उसके बारे में बताया, और यहाँ पे एक चाइनीज के अंदर कुछ टिक मार्क किया हुआ है। तो ये इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल से इसका नाम शायद है V76 जो कि इस माउस का शायद मॉडल नंबर है। तो इसके ऊपर वाले लिड को हटा देते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो यार ये है हमारा माउस जो कि है अंदर वाले बॉक्स के अंदर। तो कर लेते हैं इसको भी अनबॉक्स। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी कोई स्पेसिफिकेशन अगर साइट पर लिखी हो तो वो हम पढ़ लें। तो यहाँ पर सब कुछ यार चाइनीज़ में है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में है तो उसको साइड पे कर देते हैं। और अगर इस साइड पे देख लिया जाए तो यहाँ पे हमें शायद कुछ काम का देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हाँ यार यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्टिकल, जो नंबर ऑफ बटन्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं 6, और जो सिस्टम स्पीड है वो 1600 SIU स्पेशल है। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या चीज़ है, मगर जो फ्रेम रेट है वो आपको देखने को मिल जाता है 4000 जो कि मेरे लिहाज से काफ़ी सही है। और जो रेजोल्यूशन है जिसे हम DPI भी बोलते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाता है 800 से 1600 के दरमियान में। तो ये यार काफ़ी अच्छा, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो बाकी जो इसकी चीज़ें वगैरह हैं वो हम जाके देख लेते हैं बाद में, और कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो सबसे पहले तो मैं इसका ऊपर से खोल लेता हूँ लिड, और जो हमें सबसे ऊपर जो चीज़ देखने को मिल जाती है वो है इसकी ये ब्रेडेड केबल। तो निकाल लेता हूँ मैं पूरा माउस को बाहर और फिर हम देखते हैं। ओहो चलो खैर, तो ये तो हमारी होगी पैकिंग, तो इसको भी कर देते हैं साइड पे। तो यार ये है हमारा माउस जो कि निकलता है इस बॉक्स के अंदर से, और आप देख सकते हो कि काफ़ी शाइनी सी लुक है यार इसकी, काफ़ी मज़े की फीलिंग आ रही है इसको पकड़ के। जो बिल्ड क्वालिटी है वो यार काफ़ी कमाल की है यार, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है पकड़ के, और इसे मैं रख के भी देख लूँ तो ऑल ओवर फील यार काफ़ी अच्छी आ रही है। जो इसको पकड़ने की फील यार काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी दफ़ा माउस वगैरह लिए हैं यार मगर इसकी फील काफ़ी अलग है उन सब से। तो आओ यार कर लेते हैं सबसे पहले इसके बटन्स वगैरह को काउंट। तो यहाँ पे हमें साइड पे देखने को मिल जाते हैं दो बटन जो कि आप रीलोड, और मैं इतनी खैर गेमिंग नहीं करता तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ये दो ऊपर जो क्लिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और साइड के अंदर है ये स्क्रॉल के लिए, और इसके सेंटर में जो ये बटन है वो आपको देखने को मिल जाता है DPI कंट्रोल करने के लिए। और अगर इस साइड की बात कर लिए तो यहाँ पे कोई बटन नहीं देखने को मिलता, और इसके साथ साथ एक और बटन है वो शायद पता नहीं हम किस लिए यूज़ करेंगे, ये तो जब कोई गेमिंग वगैरह बंदा करता है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसे कस्टमाइज़ करता है।
तो ऑल ओवर तो यार ये हो गया माउस, और अब मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ किसी चीज़ के साथ में जो कि आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर अब आरजीबी लाइट्स का ऑप्शन। तो इसको मैं कर लेता हूँ कनेक्ट और फिर देखते हैं इसके आरजीबी के लुक्स। तो बात कर लीजिए इसकी आरजीबी लुक्स की, तो वो यार काफ़ी कमाल की फील हो रही है इसको देख के ही। सबसे मज़े की चीज़ यार अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पे ये जो लाइट है जो कि इसकी की के नीचे से होते हुए यहाँ ऊपर आ रही है। अभी तो खैर लाइट ऑफ है, मगर अब आप देख सकते हो कि लाइट जो पूरी एक लाइन जा रही है वो काफ़ी कमाल की यार लग रही है। और जो ऑल ओवर जो इसके अंदर लाइटिंग है ब्लैक कलर के साथ में, वो यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का अच्छा लग रहा है। और जो इसकी प्लास्टिक की शाइनी सी फील है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो ऑल ओवर लुक्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छी है। और मैंने इसको चेक कर लिया और यार इसका गेमिंग एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं, मगर जो मीडियम लेवल का है उसके ऊपर आप कह सकते हो वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि बाकी जो माउस वगैरह होते हैं वो आते हैं हाई एंड की प्राइस के ऊपर, और उनके जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मगर इस तरह के जो माउस है जो कि आते हैं 700 के 800 के अंदर की प्राइस के अंदर, तो उनकी लुक्स काफ़ी अच्छी होती है, मगर जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है वो उस तरह का नहीं मिलता आपको जो आपको देखने को मिल जाता है 3 से 4 हज़ार के जो माउस हैं उनके अंदर, जैसे आते हैं ब्लडी और रेजर के। तो इंशाल्लाह उनकी भी अनबॉक्सिंग होगी, मगर अगर बात कर ली जाए 20 की तो ये अपनी प्राइस के लिहाज से यार काफ़ी अच्छा माउस है, और जो इसकी लुक्स हैं और जो इसका ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो यार काफ़ी अच्छा है। अगर बात कर ली जाए इसकी केबल की तो वो यार काफ़ी अच्छी है, और जो इसकी जो ब्रेडिड जो है वो आपको कई काफ़ी दफ़ा दूसरों के अंदर काफ़ी ढीली देखने को मिलती है, मगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे से जो इसकी की गई है सिलाई आप कह लो वो काफ़ी अच्छी की गई है। तो ऑल ओवर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी जो वायर की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके एंड के ऊपर आपको यार एक फ्यूज़ भी देखने को मिल जाता है जो कि अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो कि अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। तो खैर उसको छोड़ के तो एक वो सेफ्टी फीचर आप कह लो वो भी इसके साथ आ जाता है। तो ऑल ओवर जो माउस है वो यार काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको बाय करो। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आप जाके कर सकते हो बाय इसको दराज के ऊपर से। तो यार बस यही थी इसकी अनबॉक्सिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हो इसकी गिव अवे को तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह हम गिव अवे को स्टार्ट करेंगे और कौन किस तरह से विनर इसका बनेगा। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।